हेलो बच्चों, हम आपको क्लास नाइन्थ के लेसन वन की संज्ञा पद्धति के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो उसमें हमने आपको संख्याओं के प्रकार बताए थे। आगे हम आपको घातांक के बारे में बताने जा रहे हैं कि घात और घातांक क्या होता है। किसी संख्या पर घात लगाना या घातांकन एक गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से दो या अधिक बार गुणा किया जाता है। जितने बार गुणा किया जाता है वो उस संख्या का घात कहलाता है। घात को संख्या के ऊपर दाहिनी ओर थोड़ा हटाकर लिखा जाता है। इस प्रकार तीन के ऊपर जो चार लगा हम पढ़ेंगे उसको 3 to the power 4 = 81। इसका मतलब है कि तीन को हम चार बार गुणा करें, 3 × 3 × 3 × 3 गुणा करने पर 81 मिलेगा। घात क्रिया में दो संख्याएं उपयोग की जाती हैं। एक होता है आधार जिसको बेस कहते हैं और ए से प्रकट करते हैं, और दूसरा होता है घातांक जिसको हम एन कहते हैं। 3 to the power 4 में 3 बेस है यानी आधार है और 4 घातांक है एन। जबकि एन धन पूर्णांक होता है तो घातांकन ए का स्वयं से बार बार गुणन को दर्शाता है। घातांक के कुछ नियम हैं। यदि ए 0 से बड़ा है, आधार जो है 0 से बड़ा है और एक वास्तविक संख्या है, तथा एम और एन परिमेय संख्या हैं, तब इनके ये निम्नलिखित रूल हैं। पहला है a^m (a^n) = (a^m+n). दूसरा a^m (a^n) = (a^m-n). थर्ड है a^m(whole)n = (m)(mn). फोर्थ है a^m (b^m) = (ab)(whole)m। पांचवा है a^0 = 1। यहाँ ये बात आपको हम बताना चाहते हैं कि किसी भी संख्या या अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर पावर ज़ीरो है, घात ज़ीरो है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। सिक्स है a^-m = 1/a^m। वास्तविक धनात्मक संख्या a तथा b के लिए निम्न सर्वसमिकाएँ लागू होती हैं, √a/√b = √ab। दूसरा है √a/√b = √a/b। थर्ड है √a+√b (). दूसरे ब्रैकेट में √a-√b(). इनका मल्टीप्लिकेशन a-b के बराबर होता है। फोर्थ है √a+√b² = (a+2√ab+b). पांचवा होता है √a+√b (a-b). इनका मल्टीप्लिकेशन होता है a²-b। इसके बाद जो हमने आपको पूरा लेसन पढ़ाया है इसका संख्याओं के प्रकार का एक सारांश है। वास्तविक संख्या दो तरह की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोनों के उदाहरण दिए हुए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। परिमेय संख्या में दो प्रकार हैं, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं 0 और प्लस वाली संख्याएं हैं, और भिन्न में 1/2, 1/5/3, 7/5 हैं। इसमें माइनस वाली जो संख्या पूर्णांक में है इनको ऋण पूर्णांक कहते हैं, और प्लस 0 को ले 0 से लेके बाकी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, 0, 1, 2, 3। पूर्ण संख्या को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं, दो इसके पार्ट हैं। एक है शून्य, दूसरा है प्राकृतिक संख्या। शून्य अलग है और प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 up to so on। प्राकृतिक संख्याएं दो तरह की होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्या। जो दो से विभाजित हो जाती हैं वो सम हैं, जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम हैं। विषम संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। इसमें वन को हमने अलग कर दिया, ये ना भाज्य है और ना अभाज्य है। दूसरी अभाज्य संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, 3, 5, 7, 11, इसके अतिरिक्त एक से विभाजित होती हैं या स्वयं से होती हैं। फिर आता है भाज्य संख्या जो एक, स्वयं और किसी और संख्या से भी विभाजित होती हैं। नेक्स्ट आता है सम संख्याओं में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या केवल दो सम संख्याओं में, और भाज्य संख्या 4, 6, 8, 10 हैं। इसी के साथ हम अपना पहला चैप्टर संख्या पद्धति समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे आपको इस चैप्टर
चैप्टर के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। जितने भी फॉर्मूले आपको बताए गए हैं उनको आप याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी के साथ पहला चैप्टर समाप्त होता है।